आज का रिड्यूशन वगैरह देखे हो गए बताओ। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो, एक बार ये ट्राई किए थे क्या पिछले क्लास में? यस सर। यस सर। बायनोमियल से किए थे क्या अपन एप्रोक्सीमेशन? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया चलेगा। इसको आप प्रूव कीजिए तो इसके इक्वल होगा सर, तो बायनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे सर, एनए के टर्म्स में आ जाएगा आराम से। क्या सबसे पहले अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करें? बताओ करते हैं। तो x टेंडिंग टू a है तो क्या रखा जाए? x को क्या अपन बोल सकते हैं? a प्लस h, h टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन a प्लस h माइनस a, चलेगा? ठीक है, नीचे में देखो a कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में क्या आ गया? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो a प्लस h टू द पावर n माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एन। अब इसमें सोचो तो क्या यहाँ पे एस टेंडिंग टू जीरो है और यहाँ पे भी देखो ये टेंडिंग टू जीरो है, तो क्या आपके मन में बाइनोमियल एक्सपेंशन का ख्याल आना चाहिए? यस सर। और उसमें आप क्या करते थे? अगर वन प्लस यहाँ पे एक्स टू द पावर एन होता था और एक्स टेंडिंग टू जीरो होता था, आप इसको क्या लिखते थे? वन प्लस एन एक्स, ऐसा लिखते थे ना? अगर बाहर एक टर्म हो तो अपन इसको दो में ब्रेक करते थे, अगर बाहर दो टर्म हो तो उसको कितने में? तीन में ब्रेक करेंगे, तीन टर्म तक लिखेंगे। याद है सबको? बोलो n into n minus 1 yes, ऐसा। तो यहाँ पे देखो बाहर में एक टर्म है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको वन बनाने का ट्राई करेंगे। तो वन कैसे बनाया जाए? यहाँ पे वन होना चाहिए, देखो वन प्लस एक्स है और x टेंडिंग टू जीरो है, तो वन कैसे बनाया जाए? a कॉमन ले, a कॉमन ले लें। चलो a को बाहर ले लेते हैं। अगर a को बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंडिंग टू जीरो a टू द पावर n वन प्लस एच बाय a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन h, चलेगा? देख लो। यस। अब सोचो h टेंडिंग टू जीरो तो क्या ये वन प्लस समथिंग और समथिंग टेंड टू जीरो टू द पावर एन आया? क्या यूज कर ले बायनोमियल एक्सपेंशन? कर लेते हैं। अगर बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करोगे तो क्या लिखोगे? लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो ए टू द पावर एन इनटू वन प्लस एन इनटू एच अपॉन ए माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एच, ऐसा। ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो तो ऐसा है। यस सर। तो इसको कैंसिल करो तो क्या आ गया? लिमिट s टेंडिंग टू 0 a टू द पावर n n इनटू h बाय a इनटू h, इसको गायब करो तो देखो क्या आ गया? n a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है? यस आया। अब रखना है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिमिट का, तो अपने को याद रखना है। यहाँ पे क्या है देखो, लिमिट x टेंडिंग टू a, क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म में है? 0 बाय 0 फॉर्म। यस सर। अब यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, दोनों के पावर में क्या है? सेम है। अपॉन में क्या है? x माइनस a। अगर ऐसा होगा तो पावर को आगे करेंगे और इस यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट होगा उसके पावर में क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है सबको? बताओ चलेगा? ये सबको समझ में आया ना? ये जैसे क्वेश्चन नहीं है ना, मान लीजिए मैंने ये ऐसा पूछा आपसे और बोला चलो बताओ ये किसके इक्वल होगा, तो ऐसे तुम ट्राई करोगे सर? सर a ग्रेटर देन 0 का जरूरी है क्या चीज? सर a ग्रेटर देन 0 की जरूरी है, a टेंडिंग टू 0 सर, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हां, लिखा ना क्वेश्चन में सर, ग्रेटर देन 0 ये
यस सर ग्रेटर देन 0 होगा हां तो ये जरूरी क्यों है सर माइनस के तो काम कर सकता है अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा आप नेगेटिव बोलोगे और यहां पे ऑड आ जाएगा तो क्या होगा आगे प्लस हो जाएगा ना बताओ तो फिर तो फार्मूला चेंज करना पड़ेगा सपर 0 बाय 0 की वो आएगी x की पावर n तो x तो a ही है सर तो अगर a भी नेगेटिव होगा तो x की पावर n है सर तो x की पावर n अगर a रखेंगे तो a की पावर n माइनस a की पावर n 0 तो हो जाएगा सर हर बार सोचो सबसे पहले यहां पे a का वैल्यू सर कोई नेगेटिव रख लो आप ठीक है नेगेटिव रख लो कुछ बोल दो माइनस 4 है और माइनस 4 टू द पावर यहां पे क्या होगा n और यहां पे सोचो क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा वैसे तो x की तो माइनस 4 रखेंगे सर क्योंकि x ग्रेटर देन x टेंडिंग टू a है सर यहां पे माइनस 4 रखना जा रहा है अगर सर x टेंडिंग टू a है तो a रखेंगे वही x भी रखेंगे सर ओके तो 0 हो जाएगा ना सर यस सर x को क्या करना चाह रहे हो टेंडिंग टू a और a को आप नेगेटिव रखना चाह रहे हो माइनस 5 बोलना चाह रहे हो ऐसा यस सर n के बारे में सोचो तो n क्या है आपका अगर यहाँ पे क्या है 0 बाय 0 पॉजिटिविटी सर देखो तो 0 बाय 0 कौन बंद है यस सर इस वाले में 0 बाय 0 कौन बंद है हां बंद है सर हर केस में नहीं बनेगा हर केस में व्हाट पावर से n अपना यहां पे ना क्या हो जाए इवन हो जाए या ऑड हो जाए देखो दो पार्ट ब्रेक करेंगे इसको फिर यहां पे अपने को केस लेना पड़ेगा दो केस में आप ब्रेक करोगे फिर आप बताओगे किसमें होगा किसमें नहीं होगा पहला केस if n equals to odd dusra if n equals to even theek hai kisi mein socho agar even ho jayega to yahan pe apne 4 kar diya iske power mein 4 kar diya theek hai na yes sir agar odd hoga to kya hoga limit सर दोनों में ही सर 0 बाय 0 में चला जाएगा क्योंकि सर सर x भी तो माइनस 5 की पावर ऑड होगा ना सर हाँ 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 इसके माइनस 5 टू द पावर तो ऑड हो जाएगा जैसे यहाँ पे बोलेंगे अपन माइनस चलो x टू द पावर ऑड ले लो कुछ भी ले लो 5 ले लो और इसके पावर में 5 ले लिए अपॉन x माइनस माइनस प्लस आ गया हाँ चलेगा यस सर x tending to minus 5 और यहाँ पे क्या आ गया x to the power even रखे हैं ना 4 ले लो minus 5 to the power 4 क्या हो जाएगा 5 to the power 4 हो जाएगा upon देखो यहाँ पे क्या आ गया x plus 5 आ गया minus 5 रखेंगे तो दोनों केस में 0 बाय 0 आ रहा है ना yes sir हाँ चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना ये वाला पार्ट क्लियर है सबको ये फॉर्मूला याद रखेंगे अपन यस यस सर हर बार तो ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो चलो सो यहां पे ए बिलोंग्स पॉजिटिव इस वजह से क्योंकि वहां पे वो क्यू था ना सो अगर हाफ हो जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या चीज हो जाए जैसे इस केस में इस वजह से वो ग्रेटर देन 0 था क्योंकि सामने n को रैशनल माना था अगर हाफ हो जाता तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हाफ ही एग्जिस्ट नहीं करता इसमें बताइए तो अगर मैं आपसे बोलूं लिमिट क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है तो जो x टेंडिंग टू 5 आ गया और यहाँ पे x टू द पावर चलो 10 रख लो माइनस 5 टू द पावर 10 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 5 इसी तरह का क्वेश्चन सब बन सकता है 10 इनटू 5 की पावर 9 क्या करेंगे पावर आगे पावर क्या करोगे 10 को आगे कर दो इनटू क्या हो जाएगा 5 10 में क्या कर देंगे सर पावर में एक कम ऐसा चलेगा यस सर यस ठीक है अब कभी कभी क्या होगा ना थोड़ा अपने को फोर्सफुली इस टाइप पे बनाना पड़ेगा वो भी कर सकते हैं अभी क्वेश्चन ट्राई करते हैं देखते हैं
अगर अपने को ये वाला पता ना भी होता तो अपन तो किससे कर सकते थे ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन से yes, sir. कर सकते थे। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए तो बताइए क्या होगा इसका। 4a क्यूब। तो पावर आगे, पावर में एक कम, तो क्या हो जाएगा 4a क्यूब हो जाएगा। चलेगा, इसको सॉल्व कीजिए। तो 4x की पावर 3 बाय 4 सब्स्टिट्यूशन से कर लो। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं उसका यूज कर लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। देखो तो यस यस सर सकते हैं। अब इसमें क्या करोगे, पावर आगे, पावर में एक कम, तो क्या हो जाएगा लिमिट, इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं ना, 1/1/4 1 टू द पावर क्या होगा -3/4 तो 1 के पावर में समथिंग क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये 4 आएगा, 4 आंसर आएगा। यस सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए इसका बताइए कैसे करेंगे। 15/10 3/2 सर, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x माइनस वन से डिवाइड कर लेंगे। बिल्कुल, तो इसको क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे तो क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x टू द पावर 15 -1/(x-1) x टू द पावर 10-1/(x-1) ऐसा कर लेते हैं। अब इसको क्या बोलोगे, ऊपर वाले को क्या बोलोगे, पावर आगे इनटू पावर में एक कम, यहाँ पे 15 लिख लो, यहाँ पे 10 लिख लो, तो क्या हो जाएगा ये 14, इससे कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे 10 और 1 टू द पावर क्या 9, तो क्या ये 15/10 आएगा। सबको सॉल्व हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सबको ट्राई करना है, बताइए कैसे होगा सॉल्व, सबको सॉल्व करना है। सो 6 6 आ रहे हैं, तो स्प्लिट कर लेंगे तीन अलग टर्म्स में। सो 6 और किसी का सर माइनस 3 को सर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों। यस सर। हां यस सर। देवांश, आदित्य, हर्ष और किसी का नहीं है, सिंपल है ना सर। हो गया यस सर, हो गया सर, हो गया। क्या करेंगे उस फॉर्मूला में, बताओ क्या होता था, लिमिट x tending to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a, power आगे, power में एक कम, ऐसा। तो इसमें भी क्या करें, इस वाले form में ले आए, लाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, limit x tending to 1, क्या यहाँ से x इस 1, ये जो 3 है इसको भी एक 1 दे देते हैं, x square एक 1 इसको दे देते हैं, x cube एक 1 इसको दे देते हैं, चलेगा, upon x minus 1 कर लेते हैं, चलेगा। अब देखो सब finite आएगा, split कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं, चलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, limit x tending to 1 x minus 1 upon x minus 1 plus limit x tending to 1 x square minus 1 upon x minus 1 plus limit x tending to 1 x cube minus 1 upon x minus 1, ये वाला लगा दो, यहां से बताओ क्या आएगा, 1 आएगा। यस ये 1 आ गया, पावर आगे, पावर में एक कम, यहां 2 लिख लो, ठीक है ना, यहां पे 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 ही आएगा, प्लस उसमें पावर आगे, पावर में एक कम,
तो देखो तो क्या आ गया, 1 + 2 + 3 6 आया आंसर आपका, ठीक है ना? Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन एक आगे आएगा, वो भी सबसे सॉल्व होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। So plus minus 3. Yes, sir. Yes, sir. Plus minus 3. Okay. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसमें क्या लिखोगे? पावर आगे, पावर में एक कम, ऐसा बोलोगे 5 minus 1 अपॉन क्या है 405, इसको डिवाइड करें 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब सोचो a टू द पावर 4 इक्वल्स टू 81, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 to the power 4, तो यहां से a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्या पर बोलेंगे प्लस माइनस 81 टू द पावर 1/4 ऐसा। यस सर। तो ये क्या आ गया, a इक्वल्स टू क्या ये प्लस माइनस 3 आया? यस सर। चलेगा, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो फोर आ रहा है। इसको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, लिमिट x टेंडिंग टू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 अपॉन क्या चाहिए इसको, x माइनस 3 दे दो उसको सर, 4 सही है, 4 टू द पावर 3 और यस 3 लिखेंगे, चलेगा? यस ठीक है। अब यहां पे ऊपर वाले में भी लिमिट लगा सकते हो, नीचे वाले में, इसमें क्या होगा, पावर आगे, पावर में एक कम, 3 हो जाएगा, इसमें भी पावर आगे 3 और पावर में एक कम 2 आ जाएगा। तो अब सोचो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या 4 आंसर आएगा? ऐसा। यस सर। यस सर। यस सर। इसको सॉल्व कीजिए, तो मॉडिफाई कीजिए थोड़ा सा। So 5/3 into a plus 2 की पावर 2/3 सर, 5/3 की पावर 2/3 यस सर। जीरो बाय जीरो फॉर्म में है क्या? यस सर। यस सर। बिल्कुल, पहले तो यही चेक करना है जीरो बाय जीरो फॉर्म में। अब सोचो तो उस टाइप से अगर अपने को क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता था, लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ऐसा होता था, ठीक है ना? तो अगर ऐसा बनाना चाहेंगे तो नीचे में तो ये टर्म आना चाहिए ना, x प्लस टू आना चाहिए ना, यहाँ पे भी क्या a प्लस टू आना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, बना सकते हैं x टेंडिंग टू a x प्लस टू टू द पावर 5/3 माइनस a प्लस टू टू द पावर 5/3 अपॉन क्या, यहाँ से बोलेंगे x प्लस टू माइनस a प्लस टू, यस देख सकते हैं, चलेगा। अब क्या बोलोगे आप, क्या पावर आगे पावर में एक कम? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, 5/3 a प्लस टू टू द पावर 5/3 माइनस 1 एंड ये 5/3 a प्लस टू टू द पावर क्या हो जाएगा, 2/3 यही आंसर हो जाएगा। पर सर ये तो तब होता है जब लिमिट x टेंडिंग टू a हो, यहाँ पे तो वेरिएबल चेंज हो गया ना, क्या चीज, x टेंडिंग टू a हो, लेकिन yes, देखो तो 0 है 0 जैसा बन रहा है क्या, देखो तो ऊपर वाला 0 नीचे वाला 0, यस सर, इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं अपन क्या सर, इसको y लिख दें, a प्लस 2 को b लिख दें सर। यस सर। उत्तर ऐसा बोलने में किसी को दिक्कत है? सही समझ में नहीं आया, थोड़ा फेयर एक्सप्लेन कर दो। बोलो सर, समझ में नहीं आया।
सब्स्टिट्यूशन यूज कर ले यस सर मेथड वर्ड समझा दीजिए सर पहले हाँ इसमें कुछ नहीं किया जैसा ऊपर था वैसा नीचे बना दिए यहाँ देखो x प्लस टू था यहाँ पे x प्लस टू बना दिए और यहाँ पे a प्लस टू था यहाँ पे a प्लस टू बना दिए तो टू ऐड किए और टू सब्ट्रैक्ट कर दिए प्लस माइनस देखो अब भी नीचे वही बनना है x माइनस a बनना है यस सर बनना है तो अब क्या कर सकते हैं इस वाले को रिप्लेस कर दो एक बॉक्स से इस वाले को ठीक है इसको कैपिटल x बोल दो इसको कैपिटल a बोल दो तो जो कैपिटल x टू द पावर 5 बाय 3 सॉरी कैपिटल x टू द पावर 5 बाय 3 कैपिटल a टू द पावर 5 बाय 3 और वही चीज नीचे में लिखा हुआ है तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं पावर आगे पावर में एक कम कैपिटल a पे यस सर ऐसा बोल सकते हैं अगर सोचो इसको दूसरे मेथड से करना है तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो इसको क्या बोलोगे आप इस x को क्या सब्स्टिट्यूट कर ले अपन x को बोलते हैं a plus h चलेगा ऐसा और यहाँ पे अपन h को क्या बोल देंगे h tending to zero तो क्या आ जाएगा लिमिट h tending to zero और इस वाले में क्या लिख दोगे आप तो ये आ गया आपका x की जगह पे a plus h plus 2 to the power 5 by 3 minus a plus 2 to the power 5 by 3 और नीचे में क्या आ जाएगा तो देखो a plus h चलो ये स्टेप लिख लेते हैं a plus h minus a ये लिखेंगे अपन देख लो चलेगा ठीक है अब सोचो अगर हमें क्या करना हो इसको वन बनाना हो ठीक है ना तो क्या करें इस वाले को और इस वाले को एक साथ लेके बाहर कर लें कर लेते हैं और यहां से देखो ये a और a गायब हो गया तो सोचो क्या आएगा क्या ये लिमिट s टेंडिंग टू जीरो और क्या a प्लस टू टू द पावर फाइव बाय थ्री बोलोगे और अंदर क्या आ जाएगा क्या ये वन प्लस h बाय a प्लस टू बनेगा बताओ yes, sir. ऐसा और नीचे आ गया h ठीक है अब सोचो तो इस पे क्या अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं h टेंडिंग टू जीरो ये वाला क्या टेंडिंग टू जीरो है बिल्कुल है कर सकते हो बोलो अरे हाँ ना बताओ नहीं आया समझ में कि आया वन प्लस एक्स टू द पावर एन होता था और x टेंडिंग टू जीरो होता था तो क्या इसको लिखते थे आप वन प्लस एन एक्स ऐसा यस सर तो यहाँ भी देखो तो अगर x टेंडिंग टू जीरो होगा तो क्या ये तुम्हारा जीरो को जाएगा ऊपर वाला ही जीरो हो गया गया जीरो को यस सर तो क्या करेंगे ये पावर आगे आ जाएगा तो यहाँ से क्या बोलोगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और ये a प्लस टू टू द पावर फाइव बाय थ्री और इधर क्या आ गया वन प्लस फाइव बाय थ्री इंटू h अपॉन a प्लस टू ठीक है और बाहर भी क्या है a प्लस टू टू द पावर फाइव बाय थ्री अपॉन h है क्या इस वाले को कैंसिल करेंगे हटा दिए ठीक है अब सोचो यहाँ पे h है इसको गायब करेंगे कर देंगे इस h और इस h को कैंसिल करो अब सोचो इसके पावर में क्या होगा यहाँ पे 5 बाय 3 आगे आया आंसर में 5 बाय 3 आया आ गया अब सोचो a प्लस 2 टू द पावर 5 बाय 3 है और नीचे में यहाँ पे a प्लस 2 है तो क्या 5 बाय 3 माइनस 1 हो जाएगा बताओ यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ यस सर यस वापस यही आएंगे तो अब सोचो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या अपन मॉडिफाई कर सकते हैं जीरो बाय जीरो होना चाहिए अब यहाँ पे सोचो कैपिटल एक्स और इसको कैपिटल ए जैसा बना दिए और नीचे भी क्या आ गया कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल ए आ गया ठीक है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बताओ कर सकते हैं सो चलेगा चलो ये वाला क्वेश्चन अभी पीछे आपके सामने आया था जहाँ पे सर एन एन प्लस वन बाय टू यस सर यस सर इसको आप सॉल्व कर सकते हो तुम लोग
Yes, sir. किसके से सॉल्व हो गए ये? एक तो बस फाइन अब ऐसा नहीं बस इतनों से हुआ और सब ऑनलाइन हो ना मतलब हो ना क्लास में इस बैच में ना ऐसा है ना कुछ बच्चा अच्छा है वो बहुत अच्छा है और कुछ बच्चा ऐसे ही है तो डिफरेंस जो है ना बहुत नहीं हो रहा ठीक है उसके कारण कुछ चीजें स्किप करें मतलब वो भी दिक्कत है कुछ ज्यादा पढ़ा दें एडवांस लेवल का वो भी दिक्कत है चलो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करें बताओ माइनस एन को हर टर्म के साथ इंडिविजुअल कर लें यस सर माइनस वन की लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन और यहाँ से क्या हो सकते हैं एक्स माइनस वन इसको ले लो प्लस क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वन ये भी हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन ये तो क्वेश्चन अपने से सॉल्व होना चाहिए ना हमने जब सिमिलर क्वेश्चन किए हैं तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन x-1 हो जाएगा ऐसा अब क्या अगर लिमिट को सेपरेट कर देंगे तो सब पे स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला लग जाएगा बताओ यस यस सर तो इससे क्या आ जाएगा देख लो चलो एक स्टेप ठीक करते हैं x टेंडिंग टू 1 x-1 अपॉन x-1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1 x²-1 अपॉन x-1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 x³-1 upon x-1 limit x tending to 1 x to the power n-1 upon x-1 सब में से इसमें से क्या बाहर आएगा 1 आएगा yes. इस वाले से one, क्या आएगा 2 आएगा 2 3 इधर n तक जाए n n+1 n+1 by 2 n+1 by 2 ये आंसर आ गया चलेगा ठीक है अब अपन बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में ठीक है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको आप याद रखोगे कैसे आता है वो अपन बाद में जान लेंगे जब एक्सपेंशन पढ़ेंगे साइन का एक्सपेंशन आप लोगों को आता है क्या साइन का एक्सपेंशन क्या होता है x minus x cube by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial हमने बताया कि पार्ट 7 उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है कॉम्प्लेक्स नंबर बताया यस sin x का क्या हो जाएगा x minus x cube upon 3 factorial प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल नहीं फिर माइनस x टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल इन सब के बारे में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है आपको पता है टेंडिंग टू 0 है तो ये सब बहुत छोटा हो जाएगा नहीं आगे वाला यस यस छोटा हो जाएगा ठीक है चलेगा अब सोचो यहां पे sin x अपॉन x अगर तुम इसको x से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा x टेंडिंग टू 0 है अगर तुम इसको x से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 1 यस ठीक है और यहां पे बहुत छोटी छोटी बहुत छोटी वैल्यूज आएंगी छोटी वैल्यू आएगी तो क्या अपन इसको बोल सकते हैं ये 1 के इक्वल होगा sin x अपॉन x अगर x टेंडिंग टू 0 हो तो यस यस सर तो ये अपन याद रखेंगे सब पर ये सीरीज डिफरेंशियल से आती है और डिफरेंशियल में से ये लिमिट यूज होगी तो सर हम उसी से उसी को प्रूफ कर दे रहे हैं क्या किस क्या बोले तुम सर ये सीरीज डिफरेंशियल से आएगी sin x के और सर sin x का हम डिफरेंट बस इससे आती है ना सर टेलर सीरीज से यस सर पर उसमें सर डिफरेंशियल यूज होगा और डिफरेंशियल के लिए हम ये सर लिमिट यूज करते हैं याद कर लेंगे अभी यही कर सकते हैं नहीं करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट याद कर लेंगे इससे आएगा ठीक है ना डिफरेंशिएट करते चलेंगे और यस सर सर डिफरेंशियल निकालते वक्त हमें ये लिमिट ही तो यूज करनी पड़ती है सर फर्स्ट प्रिंसिपल से
तो दूसरा इसको ग्राफ से देख लो, ग्राफ से देख लो, sin x का ग्राफ पता है तुम्हें? Yes, sir. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऐसा है. अब सोचो जीरो के आसपास अगर तुम साइन में घूमोगे तो क्या होगा? ये जीरो x के बराबर होगा, x के बराबर ही होगा. देखो अगर जीरो yes, तो क्या वो भी जीरो को ही टेंड करेगा? Yes, sir. तो क्या अपन बोल सकते हैं अगर बहुत छोटी वैल्यू हो, फिजिक्स वाले सर बोले भी होंगे कभी ना कभी यूज किए होंगे, साइन एक्स अगर एक्स बहुत छोटा हो मतलब टेंडिंग टू जीरो टाइप का हो तो क्या इसको अपन एक्स के ऊपर? Yes, sir. तो सोचो एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? वन आ जाएगा. इससे देख लेंगे चलेगा? Yes, sir. ठीक. अब सोचो अपने को ये याद रखना है, यही यूज होगा डायरेक्ट, याद रहना चाहिए. ऐसे ही क्या टेन एक्स अपॉन एक्स बोल देंगे क्योंकि एक्स अगर आपका yes, बड़ा होगा तो क्या वो भी टेन एक्स को भी आप एक्स से रिप्लेस कर सकते हो? yes, टेन एक्स अपॉन एक्स होगा, ये भी वन के इक्वल होगा. तो ये अपने को याद होना चाहिए ये दो. चलेगा जी. अब टेन एक्स का एक्सपेंशन आता है क्या? चलो इसको आगे एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू एक्स पावर फाइव बाई फिफ्टीन. हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? sin x upon yes, x अगर x 0 हो तो अपन बोलेंगे 1 के इक्वल होगा, tan x upon x अगर x tending to 0 हो तो बोलेंगे 1 के इक्वल होगा, खत्म. अब सोचो इसमें कुछ ऐसा हो गया, अगर किसी ने बोला चलो बता दो यार sin of 3x upon 3x और यहाँ पे लिखा हुआ है limit x tending to 0 तो क्या बोलोगे? 1. तो किस बेसिस में बताया? क्या साइन ऑफ एनीथिंग अपॉन एनीथिंग टाइप का है क्या? और एनीथिंग टेंडिंग टू जीरो ऐसा है ना? यस सर. यस सर. तो थोड़ा इसको शॉर्टकट मार सकते हैं, बट बोल सकते हैं अगर साइन ऑफ एनीथिंग अपॉन एनीथिंग और ये टेंडिंग टू जीरो तो क्या बोल देंगे इसको? वन बोल देंगे. चलेगा जी? यस सर. चलेगा. ऐसे ही क्या टेन को भी अपन मॉडिफाई कर सकते हैं? बोल सकते हैं टेन ऑफ एनीथिंग अपॉन एनीथिंग इक्वल्स टू वन होगा. ऐसा कब होगा? जब एनीथिंग टेंडिंग टू जीरो हो. चलेगा? ठीक है. साइन और टेन में ही होता है ना बस ये? क्या बोले? साइन और टेन में ही होएगा ना? साइन और टेन नहीं रहेगा. नहीं सर, इन दोनों में ही होएगा. नहीं सर, ये जैसे यहाँ पे यूज होगी सिर्फ साइन और टेन में. सर यही बोल. और साइन अपॉन टेन होगा तो सर ये दोनों प्रॉपर्टीज सिर्फ साइन और टेन के ही लिए सर वैलिड है ये पूछ रहा है. हाँ, अभी दूसरा करने वाले ना आप बताओगे फिर नहीं होगा. इसे सोचो कॉस के लिए वो सर, नहीं कॉस के लिए. यस सर. क्योंकि यहां पे सो इनफिनिट पे टेंड कर जाएगा अनडिफाइंड. एनीथिंग टेंडिंग टू 0 अगर यहां पे लिखोगे tan ऑफ 3x चलो x ले लेते हैं अपॉन 3x क्या इसका वैल्यू 1 बोलेंगे? 1 बोलेंगे. यस. अब अगर आपके मन में सवाल हो कि भाई दूसरे के लिए क्यों नहीं, देखो दूसरे के लिए क्या जीरो को जीरो कॉर्ड बनेगा? नो सर. लिमिट एक्स टेंडिंग टू नो सर, ऊपर जीरो नहीं आए. कॉस सर एक्स देखो ऊपर क्या बन गया? वन. नीचे बन गया जीरो. ये क्या हुआ? इनफिनिट. इनफिनिट यानी अनडिफाइंड. समझ में आया ना क्यों नहीं बना? यस सर. वन अपॉन जीरो टाइप का आ गया इसलिए ठीक है. चलिएगा. समझ में आया सबको? आगे बढ़ सकते हैं. यस सर. अभी तक आपने ये याद कर लिया. अब सोचो अगर इसको पलट दे तो क्या होगा? इस वाले में मैं लिखना चाह रहा हूँ, अगर कभी ऐसा आ जाए लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और ये x अपॉन साइन x क्या ये भी वन बोलोगे? वन. ये वन. अगर ऐसा आ जाए लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और यहाँ पे x अपॉन टेन x One. ये भी वन बोलोगे. अब सोचो तो कभी ऐसा आ गया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x अपॉन टेन x वन इसको भी वन बोलेंगे. यस सर. वन. x इसको दे दो, x इसको दे दो, वन बन जाएगा खत्म. क्लियर सबको? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. तो चलिए ये जो इनवर्स वाला आया है, इनवर्स के बारे में क्या कहानी है इसको आपको प्रूफ करना है. ये जो x से बजाय sin x रख देंगे से भाई आ जाएगा. अब सोचो यहाँ पे
ये जो x होता है ये क्या x को अपन sin x बोल दें, इसको याद रखना है। x को क्या बोलते हैं? sin x बोल देते हैं हमने। yes sir x equals to sin x ऐसा। तो यहां से आप क्या बोलोगे सर? रेसिप्रोकल हो जाएगा। सबको क्लियर? yes sir। थीटा थीटा बोलते हैं ना, थीटा बोलते ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो ऊपर वाला एंगल है क्या इनवर्स जो देता है वो इनवर्स? यस सर। यस सर। तो क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा चलेगा? हाँ सर। यस। तो यहाँ से बताओ एक्स इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे? साइन थीटा। साइन थीटा। अब सोचो यार अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो हो, अगर तुम्हारा इसमें एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा तो क्या तुमको लग रहा है जो टेंडिंग टू जीरो होगा? यस सर ऐसा होगा। चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो और साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा? थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्या ये पीछे वाला आ गया वापस? अभी जो दस पढ़े थे पीछे, इस थीटा को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो। क्या ये वन बन जाएगा? यस सर। तो अब अपन याद रख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा? वन के इक्वल होगा। क्लियर सबको? यानी कि इसमें भी अगर क्वेश्चन बनाना हो तो क्या बोल सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे एनीथिंग अपॉन एनीथिंग और एनीथिंग टेंडिंग टू जीरो तो क्या बोल दोगे? वन बोल दोगे। खत्म। ऐसा हो जाएगा? यस। क्या ऐसा गाड़ी 10 के साथ होगा? 10 इनवर्स के साथ? यस सर। यस सर। इसमें आप क्या बोलोगे? x इक्वल्स टू क्या रखते हैं? tan x इक्वल्स टू अपन 10 थीटा बोल दें। tan थीटा ठीक है ना, 10 थीटा बोल दो, या फिर 10 इनवर्स तुम्हें दिख रहा है उसको थीटा बोलना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो उसको बोल दो 10 इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा बोल दो। थीटा चलेगा। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10 थीटा। तो यहां से x इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? tan थीटा। अब रख दो यहां पे। सबसे पहले तो तुम बताओ अगर x टेंडिंग टू 0 है तो थीटा तुम्हारा किसको टेंड करेगा? 0। थीटा भी 0 को टेंड करेगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं? लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 सब्स्टिट्यूशन यूज करो, tan इनवर्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा? थीटा और x के प्लेस पे क्या हो जाएगा? tan थीटा। और ये अभी तो पढ़े थे तुम ये वाला, इसके इक्वल होता है ये, वन के इक्वल होते हैं। तो क्या ये वन के इक्वल आया? क्या अपन हम ऐसा बोल सकते हैं tan inverse of x upon x होगा वो वन के इक्वल होगा? सबको क्लियर है? ये समझ में आया सब्स्टिट्यूशन? बताओ सबको। यस सर। यस सर। चलेगा। अब सोचो तो क्या अपन एक थ्योरी बना सकते हैं या शॉर्टकट के लिए क्या बना सकते हैं? सारा फॉर्मूला एक साथ देखो और सोचो थोड़ा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहाँ पे था साइन x अपॉन x किसके इक्वल था? तो वन के इक्वल था। इक्वल्स टू क्या अपन बोले थे? लिमिट यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x ये भी वन के इक्वल है। ऐसे ही तुमने बोला लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x ये भी तुम्हारा वन के इक्वल है। और यहाँ पे क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x upon x ये भी वन के इक्वल है। ऐसा है? सोचो, है ना? अगर तुम बताओगे बच्चे को तो चलो यार इसमें से ना a b किसी को ले लो, a और b जो है इसी में से कोई होगा, और तू बोलना चाहोगे लिमिट यहाँ पे x tending to 0 कोई सा भी ले लो, अगर कोई बच्चा बोलेगा sin x upon tan inverse x क्या ये भी वन के इक्वल होगा? अब किसी ने बोल दिया यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन tan इनवर्स x ये भी क्या वन? क्योंकि हमने वो पता है ये x क्या है अपना टेंडिंग टू जीरो है। एक चीज ध्यान रखना आप,
क्या रखोगे, क्योंकि कोई थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाएगा ना तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। आपने जो पढ़ा है इसमें दोनों ये जीरो को जा रहा है, ये जीरो को जा रहा है, दोनों एग्जैक्ट सेम है, ऐसा है। अगर सोचो एक क्वेश्चन में बोल दूं लिमिट x टेंडिंग टू 3 और यहाँ पे साइन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, क्या ये 1 के इक्वल होगा? यस सर, क्योंकि यहाँ पे जो एनीथिंग के प्लेस पे देखो अपने को तो एनीथिंग को देखना होता है। ये वाला पार्ट क्या ये जीरो को जा रहा है? जा रहा है। ये वाला पार्ट देखो जीरो को जा रहा है? जीरो को जा रहा है। क्या ये इसमें कन्वर्ट हो गया क्या, साइन ऑफ एनीथिंग अपॉन एनीथिंग और एनीथिंग टेंडिंग टू 0, क्या ये 1 बोलोगे आप? यस सर, यस सर, ऐसा है, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके ना अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आप ट्राई करना सॉल्व करने का, चलेगा? यस सर, यस सर, चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 2/5 लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या यहाँ पे साइन 2x है तो नीचे में 2x होना चाहिए, तो 2x से डिवाइड कर दो, 2x से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन क्या है यहाँ पे 5x है, ऐसा। ऊपर वाले में इसका वैल्यू बताओ किसके इक्वल होता है? 1 हो जाएगा, 1 ये 1 हो जाएगा, और यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/5 आएगा। यस, अब एक चीज बताओ तो यार, पीछे जो अपन पढ़े हैं इसमें एक शॉर्टकट अपन और भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? चलो यहां पे अगर एनीथिंग टेंडिंग टू 0, अगर एनीथिंग टेंडिंग टू 0 तो क्या मैं बोल सकता हूं साइन ऑफ एनीथिंग को रिप्लेस करके एनीथिंग बोल सकता हूं क्या? ये टेन इनवर्स ऑफ एनीथिंग को रिप्लेस करके एनीथिंग बोल सकता हूं? यस सर। और साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग को रिप्लेस करके एनीथिंग बोल सकता हूं, और टेन ऑफ एनीथिंग को रिप्लेस करके एनीथिंग बोल सकता हूं डायरेक्ट, चलेगा? यस सर। कैसे? एक एग्जांपल, यही वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, ये एनीथिंग किसको टेन कर रहा है? 2x, x हमारा 0 है, 0 को जा रहा है ये, मतलब यस सर 0 को जा रहा है। तो क्या इस पूरे को हटा के डायरेक्ट अपन 2x रख दें यहाँ पे, बोल देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे बोल दिए 2x अपॉन 5x, क्या एक लाइन में आ जाएगा 2/5?8x, क्या इन सबको फटाफट हटा हटा के लिख सकते हैं क्या क्या होगा? सो 1/4 क्या बोल रहे हैं? इस वाले को हटा के क्या लिखे बताओ? एनीथिंग के प्लेस पे 4x है तो क्या 4x को रिप्लेस कर दें? यस सर, 4 बोल सकते हैं इसको, 4x, और इसको क्या बोल सकते हैं? 5x अपॉन क्या बोल सकते हैं? 10x इनटू क्या बोल सकते हैं? 8x। क्लियर सबको? यस, इससे ये गायब 2 आया, 2 आया तो क्या है 1/4, खत्म। उतने एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा गाइड ही बोल सकते हैं। क्लियर सबको? यस सर। टू बाय थ्री लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले को बोल दे 2x, नीचे वाले को 3x बोल देते हैं, गायब, क्या आ गया 2/3, चलेगा जी? Yes. चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो तो हाफ यस सर 1/2 सर 1/2 1/2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब सोचो अगर इसको
दोनों मेथड से कर लेंगे, शॉर्टकट से भी और ऐसे भी। इसमें क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, इसको क्या चाहिए, टेन टू एक्स, टू एक्स चाहिए, तो टू एक्स से डिवाइड किए तो टू एक्स से मल्टीप्लाई भी करोगे, ऐसा थ्री एक्स माइनस, इसको क्या चाहिए, x चाहिए, डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा बोलोगे। यस सर। ये किसको क्या सर, ये वन हो, वन हो गया। ठीक है, या फिर तुम जाओ तो x कॉमन लेके पहले हटा दो, ऊपर नीचे से x x गायब दिख रहा है, गायब 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 गायब, ऐसा है, बिल्कुल है। यहाँ से क्या हो सकता है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और ये क्या आ गया, टू माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन, क्योंकि इसका वैल्यू तो वन को चला गया ना, वन ये वाला भी वन, तो क्या आ गया, वन बाय टू। अगर शॉर्टकट मारना होता तो क्या एक लाइन में आंसर बता देते आप, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, इसको क्या लिखते हैं, टू एक्स माइनस एक्स अपॉन थ्री एक्स माइनस एक्स, क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू। क्लियर सबको? यस सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको याद कर जाना है सर। टू टू इसको याद कर जाना है, ये किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले बताओ, एक फॉर्मूला, 1 बाय 2, तो फेमस 1 बाय 2, 1 माइनस cos 2 थीटा, एक है 1 प्लस cos 2 थीटा, ऊपर वाला क्या sin के इक्वल आता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा बोलते हो, याद है सबको? यस याद है। तो इस वाले में क्या करें अपन, देखो सबसे पहले 0 बाय 0 फॉर्म में है क्या ये? यस सर, जीरो बाय जीरो फॉर्म में है। सर वन प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करने ज़्यादा इजी हो जाए। वन प्लस कॉस एक्स से न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो। यस सर। हाँ ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल, वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में फिर। सर वो ज़्यादा इजी। हाँ दोनों इजी है, सेम आएगा। चलो यहाँ बताओ ये क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस टू थीटा को गेट टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, बिल्कुल टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब सोचो इस वाले को क्या बोलेंगे अपन, बोलेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वैसे तुमको रिप्लेस करके आ भी गया होगा एक्स बाय टू, इसको क्या चाहिए होगा, एक्स बाय टू इसका स्क्वायर है, तो क्या अपने को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x by 2 के स्क्वायर से, क्योंकि तुमने डिवाइड किया है ना, तो मल्टीप्लाई तो करोगे ना यार, अपॉन x स्क्वायर। बताओ ये वाला स्टेप सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अब अंदर वाला देखो तो क्या बना, 1 बन गया। अब सोचो यहाँ से x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 4 है, क्या एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं, बाहर में 2 बैठा हुआ है और यहाँ पे 1 बाय 4 आ गया, क्या ये 1 बाय 2 आएगा? यस सर। ठीक है, यस सर, चलेगा। तो इसको याद रखेंगे अपन, किसके इक्वल होगा ये, 1 बाय 2 के इक्वल होगा। अब इसने बोला सर यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बना लेते हैं, तो क्या करें, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, वैसे भी देख सकते हो तुम, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर x बन जाएगा, और नीचे में क्या बन जाएगा बताओ, 1 प्लस cos x इनटू x स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो? यस सर, बोल सकते हो। अब देखो तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू sin स्क्वायर, sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, और ये आ गया 1 प्लस cos x, इसको देखो तो क्या ये तुम्हारा 1 के इक्वल होगा, होगा? यस सर। यस। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 1 और इसमें 1 0 रखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। यस। और यहाँ पे भी तुम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते थे, इसको हटाते और क्या लिख देते, एनीथिंग का स्क्वायर, बताओ? यस सर। इसको रिप्लेस करके क्या लिखते हैं, एक्स बाय टू का स्क्वायर लिखते हैं डायरेक्ट, ये आता, ये इतना पार्ट खत्म, फिर x स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया बाहर में 2, तो 1 बाय 2, 1 बाय 4, 1 बाय 2 आ गया।
ये सबको मेथड टू में से लास्ट है बता दीजिए, लास्ट में बता दे। सोचो ये वाला पार्ट तुम्हारा वन हुआ, वन यस सर, वन वन अपॉन क्या आ गया, सोचो अब डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स ऐसा आ जाएगा। ये वन कैसे आया समझ में आया ना? यस सर। तो अब देखो डिटरमिनेंट फॉर्म में तो क्या डायरेक्ट अपन लिमिटिंग वैल्यू रख सकते हैं? यस सर। वन अपॉन वन प्लस वन क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू आ जाएगा, चलेगा? यस सर। तो इस वाले को अपन याद रखेंगे, इसमें क्या याद रखोगे, इसको भी पीछे ही वहीं पे लिख लेते हैं जहां पे इकट्ठा था सब, यहाँ पे। तो एक और फॉर्मूला इसमें ऐड हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर, क्या बोल दोगे इसको डायरेक्ट, वन बाय टू बोलोगे? बताओ। यस सर। ठीक है, अब क्या जैसे यहां पे करते थे एनीथिंग टेंडिंग टू जीरो होगा, तो अगर तुमसे मैं बोलू वन माइनस कॉस ऑफ एनीथिंग अपॉन एनीथिंग स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे अगर ये टेंडिंग टू जीरो है, क्या इसको वन बाय टू बोलोगे? बताओ। यस सर। यस सर। तो अब सोचो अगर वन माइनस कॉस ऑफ एनीथिंग दिखा तो क्या इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर दे एनीथिंग स्क्वायर अपॉन टू से, अगर एनीथिंग टेंडिंग टू जीरो है? यस सर। यस सर। चलेगा जी? यस सर। और किसी से सॉल्व नहीं हुआ? अनुराग। यस सर। टू टू टू। ये देखो तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, बट tan x रिप्लेस कर देंगे। इसने बोला जो चलो सर आप बोल दो let x equals to tan theta, ऐसा बोल दे, चलेगा? अब तो दो ये क्या हो जाएगा sin inverse of 2 tan theta अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे याद है ये वाला किसी का फॉर्मूला होता था, साइन टू थीटा, साइन साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा। बाहर क्या आ जाएगा, क्या टू थीटा आएगा? यस सर। थीटा टेंडिंग टू यहाँ पे देखो जीरो टाइप का, इसलिए टू थीटा बाहर आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो इस वाले पार्ट को क्या लिखोगे, थीटा तुम्हारा क्या है, थीटा यहाँ से क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या बन टेन इनवर्स एक्स बोलेंगे, ऐसा चलेगा? यस यस सर। तो ये आ गया टू टेन इनवर्स एक्स, क्या नहीं आया समझ में? तो बिना फॉर्मूले के भी हो जाता ऐसे, अगर सर वन प्लस वो सर टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा। ऐसा ही चलेगा, करेंगे उससे भी डायरेक्ट। यस बताना था एक्चुअली में, इसलिए चलेगा। इसको लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट, सबको हटा के कितना लिखोगे, टू टेन इनवर्स एक्स। यस सर। टू टेन इनवर्स एक्स बोलेंगे। तो अगर ये टू टेन इनवर्स एक्स आया तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन एक्स इंटू टू tan inverse x, 2 को बाहर करो, limit x tending to 0, क्या ये tan inverse x upon x आया, और इसका value क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्या ये 2 equals to 2 आया answer, बताओ? Yes sir। चलेगा, अब सोचो anything वाला use करते हैं, अगर ये x tending to 0 है, तो क्या ये anything के place पे जो है, क्या वो tending to 0 है, देखो तो, ऐसा है? Yes, sir। तो इसको हटा के डायरेक्ट अपन एनीथिंग बोल सकते हैं, बोल सकते हैं अभी तो पीछे पड़े,
यस सर बोलोगे तो उसको हटा और लिख दो यहां पे क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहां पे क्या आ गया 1 अपॉन x इनटू 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर दोनों को गायब अब बताओ एक लाइन में बता दिया अपन 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर चलेगा जी यस सर यस सर सबको समझ में आया ना नहीं yes, आता है पूछना yes, है यस सर सो हो गया आ गया चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो सर 3 3 सर 3 ठीक हां बिल्कुल शॉर्टकट में आपने 3 बता दिया यस सर 3 और थोड़ा सब्स्टिट्यूशन से बता दो थोड़ा इनवर्स को याद कर लो सर से सर शॉर्टकट से सर दो लाइन में हो जाएगा याद करो तो साइन 3 थीटा कुछ होता था क्या यस सर अब अगर बोले लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा तो ये जो 3x माइनस 4x क्यूब है ये क्या हो जाएगा क्या ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होगा और इसको अपन क्या बोल सकते हैं क्या ये sin 3 थीटा sin 3 थीटा बोल सकते हैं अब देखो यहां से क्या आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्योंकि जो मेथड मैंने शॉर्टकट वाला बताया है तो वो तो बोर्ड वाले एग्जाम में नहीं चल पाएगा ना बोर्ड वाले में तो यही बताना पड़ेगा आपको इसीलिए बता रहा हूं सब्स्टिट्यूशन के साथ में और JE में अपन डायरेक्ट करेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा x टेंडिंग टू 0 है तो क्या यहां से 3 थीटा बाहर करोगे Yes. अभी इसको हटा लो और पहले इसके बारे में बात करते हैं थ्री थीटा बाहर आ जाएगा थ्री थीटा बाहर आ जाएगा और थीटा आपका क्या है भाई साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x है रख दो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा थ्री साइन इनवर्स x होगा बोलो यस चलेगा अब क्या करें लिमिट के पास पहुंचते हैं जो दिया हुआ है लिखते हैं तो ये आ गया लिमिट x tending to 0 और इसका वैल्यू हमें पता चल गया जो किसके इक्वल होगा 3 sin inverse x 3 sin inverse x तो यहां से क्या बोल देंगे 3 sin inverse x upon x इन दोनों को साफ कर दो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा तो क्या ये 3 into 1 बोले तो 3 के इक्वल होगा यस सर ये वाला सही से बताना सबको आ गया क्या ये वाला यस सर यस सर सर एक बार शॉर्टकट बता दीजिए सर इसी के लिए शॉर्टकट के लिए तो आप एक लाइन में आंसर बता दोगे ना यस सर ये क्या एनीथिंग तुम्हारा है बाहर निकाल लेंगे इसको यस सर और एनीथिंग तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे टेंडिंग टू 0 है है यस सर तो क्या yes, इस पूरे को हटा के सिर्फ एनीथिंग लिख देंगे यस सर यस माइनस 4 एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स इनटू 3x minus 4x cube. अब x से divide कर दो क्या जाएगा limit x tending to 0 3 minus 4x square क्या आ गया put कर लो 3 आंसर yes sir चलेगा जी yes sir yes sir पास तो नहीं हो रहा है ना no sir तो इसको सॉल्व करो तो x प्लस 6 हाँ सॉल्व कर चुके हैं ना 6 6 सर 6 आ रहा है क्या एनीथिंग के प्लेस पे जो है क्या वो टेंडिंग टू 0 है देखो तो यस सर 6 हटा सकते हैं यस सर डायरेक्ट लिख देंगे खाली देंगे तो x स्क्वायर माइनस 9 से रिप्लेस कर देते हैं चलेगा तो ये क्या आ गया लिमिट x tending to 3 x square minus 9 upon x minus 3 ऐसा yes अब यहां पे देखता है ना x plus 3 बचेगा x minus 3 x plus 3 upon x minus 3 गायब अब डिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया वैल्यू रख डालो तो क्या ये 6 होगा आंसर इसका yes sir yes चलेगा सर फर्स्ट टाइम में सर तो x सर 0 से टेंड नहीं कर रहा सर
x square नहीं, anything के बारे में बात करते हैं ना, सर anything के प्लेस पे देखो तो क्या है, ये वाला है ना सर, वो कर रहा है अगर मतलब x की वैल्यू रख देंगे 3 anything to 0 तो sin of anything को अपन anything से रिप्लेस करते हैं, x पे सिर्फ अपन नहीं देख रहे हैं ना, बताओ यस सर यस सर यस सर या फिर इसको थोड़ा चलो अच्छे से और करना चाहते हो तो दो स्टेप और बढ़ा लो, लिमिट x टेंडिंग टू 3 यहां पे sin of x square minus 9 upon x square minus 9 into x square minus 9 upon x minus 3 बोल दो भाई, यहाँ पे ये भी जीरो जा रहा है, ये भी जीरो जा रहा है, उसको बता दो जो बोल दो अगर ऐसा होता है तो इसको वन बोल देते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हो, अगर ये भी नहीं पसंद आए उसको तो बोल दो भाई सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो तुम तो, ठीक है ना, बता दो उसको सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेगा, एक्स को क्या लिख सकता है 3 प्लस एच एच टेंडिंग टू 0 ये वाला यूज कर लो, ठीक है। yes. चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस बार देखो एनीथिंग के प्लेस पे वो जीरो को नहीं जा रहे सर, नहीं जा रहा है सर, डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा तो इस पर हमें करना पड़ेगा। देखो ये तुम्हारा क्या है, जीरो पर जीरो फॉर्म में तो है, जीरो जीरो फॉर्म में है इसमें तो है, अगर ऐसा है तो अपन सॉल्व करेंगे, तो अपन इसको ना फोर्सफुली बोलते हैं तुम जीरो को जाओ, इस एनीथिंग के प्लेस पे जो ये पाई एक्स है इसको जीरो को भेजते हैं। कैसे जीरो को भेजेंगे, अभी देखो तो ये क्या बन रहा है, 2 पाई बन रहा है। यस सर यस सर। अब आप मुझे ये बताओ 2 पाई माइनस x को 2 प्लस h से रिप्लेस कर दो, 2 पाई माइनस थीटा को क्या बोलते हो, क्या माइनस sin थीटा बोलते हो, माइनस sin, यस सर यस सर ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे साइन ऑफ थीटा माइनस 2 पाई इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, अरे इधर से माइनस निकाल दो खींच के, साइन ऑड फंक्शन है ना, यस सर माइनस निकालिए, माइनस कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो ऐसा आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, तो माइनस माइनस गायब कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस 2 पाई जो होगा ये साइन थीटा के इक्वल होगा, बताइए। यस सर यस सर चलेगा। तो थीटा के प्लेस पे एक्स नहीं, थीटा के प्लेस पे क्या है, पाई एक्स है, सब पाई बाय 4। यस सर यस सर और वो सकते हैं साइन ऑफ पाई एक्स माइनस 2 पाई, बताओ क्या ये वाला इसके इक्वल होगा, साइन पाई एक्स के इक्वल होगा, देख लो पहले तुम। यस चलेगा जी, यस यस सर चलेगा। उठाओ इसको इसके प्लेस पे ये वाला फिट कर दो, अगर फिट करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 साइन पाई एक्स माइनस 2 पाई, और नीचे में क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब देखो तो ये जीरो को जा रहा है क्या, जा रहा है, देखो तो 2 रखो, 2 पाई माइनस 2 पाई बन रहा है, यस सर यस सर, तो जा रहा है तो क्या इसको उठाएं और रख दें, एनीथिंग जो अंदर में फिट बैठा हो उसको रख देते हैं, पूरे को हटा देते हैं, चलेगा। यस सर चलेगा। तो यहां से आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 2 और ये आ गया पाई x माइनस 2 पाई अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2, ऊपर में पाई कॉमन लोगे तो कट जाएगा कुछ, यस x माइनस 2 ये वाला यानी कि इसके ऊपर में क्या आ गया, पाई पाई बाय 4, हां पाई बाय 4 डायरेक्ट लिख सकते थे, चलो अगर 2 और यहां पे आ गया x प्लस 2 तो पाई बाय 4, यही आ रहा है सबका आंसर, यस सर यस सर यही आ रहा है। और दूसरे तरीके से क्या बताते हैं, अगर कोई बच्चा तुमसे पूछता है और बताओ दूसरा मेथड तो क्या बताते हैं, सर x को 2 प्लस x से रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन, यस सर यस सर चलो दूसरा मेथड तुमने बता दिया उस बच्चे को, सब्स्टिट्यूशन,
यानी कि x को अपन क्या बोल देते हैं, क्या ये 2 plus h बोल देते हैं और h tending to 0 बोल देते हैं? Yes sir. ऐसा बोल देते हैं, खत्म, बच्चा कुछ हो गया. तुम लोग को समझ में आया ना सबको? Yes sir. हाँ, आगे बढ़े. बढ़िए. देखो बोलना है, नहीं आया समझ में तो बताना है, सर नहीं आया फिर से समझा दीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं है. सर बहुत छोटे a के लिए सर वो sin a वैलिड होता है ना, sin a approximate to a. हाँ हाँ, वो anything अगर अपना tending to zero होता. Yes sir, ठीक. चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए तो. 9/2. चलो इसको दो दो याद करो आप. 1 minus cos of anything होता था तो इसको किससे replace कर देते हैं? 2 sin squared a square by 2. और आपने बोला था 1 माइनस कॉस ऑफ एनीथिंग अपॉन एनीथिंग स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 जब एनीथिंग टेंडिंग टू 0 बोला था. अब यहाँ पे सोचो क्या करोगे, अगर ये स्कूल में पूछा तो प्रॉपर समझा दो उसको पहले. लो भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको 1 माइनस cos of 3x अपॉन क्या लिख दें, 3x का स्क्वायर, इससे डिवाइड किए तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऐसा बोल दोगे. अपॉन क्या है, x स्क्वायर है, ऐसा बोलोगे. फिर तुम उसको बताओगे ये वाला पार्ट जो है आपका किसको गया, हाफ गया, तो हाफ बाहर निकाल लो. बाहर निकाल दिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब बता दोगे 9x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर x स्क्वायर गायब, तो क्या आ गया 9/2 आया. यस. अब मान के चलो थोड़ा शॉर्टकट बताना हो किसी बच्चे को, कैसे बताओगे बोलो? ऊपर वाले को डायरेक्ट रिप्लेस कर दे 1 माइनस cos ऑफ एनीथिंग, अगर एनीथिंग तुम्हारा टेंडिंग टू 0 हो तो एनीथिंग टू 0, x अगर तुम्हारा टेंडिंग टू 0 है तो 3x तुम्हारा टेंडिंग टू 0 नहीं होगा. यस सर, होगा. तो क्या ऊपर वाले को डायरेक्ट लिख दें, क्या लिख दोगे? 9x² / 2 अपॉन x स्क्वायर गायब गायब 9/2 चाकुस चलेगा. ठीक है. यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को लीजिए. तो पहले तो शॉर्ट जो तुमको करना है शॉर्टकट वाला करना है तो वो कर डालो, दो लाइन में आंसर बता दो इसका. पहले 1 minus cos सर 18 यस सर. एनीथिंग के प्लेस पे जो है क्या ये 0 को जा रहा है? Yes. Tending to zero. Zero को जा रहे हैं. Yes, sir. तो क्या बोलोगे, इसको उठा के क्या रख दें, इसका स्क्वायर अपॉन 2, यही बोलोगे ना? Yes, sir. ठीक है. अब ऊपर वाले में दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का, मतलब x स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो उसका फैक्टर तो सबको आता होगा. तो ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 3, और क्या इसको x माइनस 3 स्क्वायर और x प्लस 3 स्क्वायर बोल सकते हैं? ऐसा इस वाले को अपॉन 2 x माइनस 3 स्क्वायर, ये गायब, और यहां से क्या आ जाएगा राइट, वैल्यू रख देते हैं ना. यस सर, 18 है. यहां पे क्या आ गया 9 स्क्वायर अपॉन 2, क्या ये 81 अपॉन 2 आएगा आंसर? सर 6 स्क्वायर होगा, 6 स्क्वायर होगा सर, वो 9 नहीं होगा सर, प्लस 36 स्क्वायर होगा ना, 36 हो जाएगा ना. चलेगा? यस सर. यस सर. तो क्या बोल देंगे, 18 बोल देते हैं. यस सर, 6 स्क्वायर अपॉन 2. हां 3 प्लस 3 है ना, मैंने बस 3 का स्क्वायर कर दिया. चलेगा, समझ में आया सबको? यस सर. यस सर.
अगर जो जो कोई स्कूल वाले टीचर को समझाना है तो कैसे समझाओगे, क्या करोगे उसके लिए? यहाँ पे लेटर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बगल में लिख दोगे फॉर्मूला, बोलोगे जो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में तो देना है अपने को, तो बगल में फॉर्मूला लिख देना 1 माइनस, यहाँ पे बोल दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बोल देना ये 1/2 होता है, अभी यही यूज करने वाले हैं ऐसा बता देना, फिर लिख लेना लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 यही 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन यही एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ऐसा बता देना, बताओ चलेगा बताइए? यस, इसको क्या बता दोगे? 1/2 आगे काम यही वाला है, ये वाला जो देखो फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना तो जरूर लिख दिया करो बगल में, ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा लगता है इसको, ठीक है ये वाला क्वेश्चन कीजिए। तो पहले तो शॉर्टकट से आंसर बता देना है और ध्यान रखना है क्या एनीथिंग अपना जीरो को जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है तो बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। ये अभी देखो क्या ये कहाँ जा रहा है, ये 4π जा रहा है ना यार ऊपर में? यस सर, और नीचे में देखो तो कितना जा रहा है, 8π जा रहा है, सोचो अगर मैं बोलू यहाँ पे 10 ये तो सबको पता है ना यार, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 साइन नेगेटिव होता है, इसीलिए। चलिए अब इसको अपन जीरो बनाना चाहेंगे, कैसे जीरो बनाए बताओ यार, बताओ वैसे इसको जीरो बनाए x से बजाय -4π। यस सर, -4π कर ले, नहीं लिमिट x टेंडिंग टू 4 10 ऑफ पाई x -4π कर ले। अब अगर ऐसा करेंगे पाई -4π तो ये कौन सा वाला, ये वाला यूज हो रहा है? यस सर, ऐसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये दोनों इक्वल है क्या, देखो तो सर। यस सर, यस 4π क्यों किया सर, 2π भी तो कर सकते थे। हाँ सवाल तो है, यहाँ पे 4 है, अभी क्या बन रहा है 4π बन रहा है, हमें क्या बनाना है जीरो बनाना है, जीरो बनाना है सर, जीरो बनाने के लिए क्या करोगे 4π में से 4π माइनस करोगे ना? यस सर। अब सर जो इसके बारे में तुम्हें यहाँ पे भी क्या बन रहा है, ये 8π, अरे 4 रख दो इसको। यस सर, 2π x minus 4π। 8π बनना है, तो क्या अपने को 8π minus करना पड़ेगा? बताओ, कर देते हैं। अगर 8π minus करेंगे तो तब भी क्या इसी के equal होगा? देखो तो वहाँ से। यस सर। ऐसा है। अब सोचो यार, ये anything zero को, ये भी anything zero को, दोनों को हटा के बाहर फेंक दे direct। Shortcut मारे? ये वाला देखो किधर जा रहा है? Zero को। ये वाला किधर को जा रहा है? जीरो को। दोनों को हटाएं, हटा देते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 और ये आ गया पाई एक्स माइनस 4π अपॉन 2π एक्स माइनस 8π, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर, सबको आ रहा है ना? यस सर। अब पाई पाई आपको दिख रहा है तो पाई पाई गायब कर देते हैं, पाई 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 पाई।
अब अगर नीचे में अपन टू कॉमन ले लेंगे तो क्या ऊपर जैसा बन जाएगा? x माइनस फोर टू कॉमन ले लो, क्या ये x माइनस फोर आया? आया, ये 1/2 आंसर चलेगा जी। अगर स्कूल वाले सर को समझाना होता तो यहाँ पे क्या कर लेते, इस वाले से डिवाइड कर लेते, इस वाले से मल्टीप्लाई कर लेते, इस वाले से डिवाइड, इस वाले से मल्टीप्लाई, फिर बोल देते ये वन को, ये वन को, और बाकी यही बच जाता। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलेगा। तुम लोग तो फंक्शन का मॉड्यूल पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिए हो ना? यस सर। हाँ, कल जॉब क्लास भी रखे थे, आए थे तुम लोग? यस सर। यस। हाँ, थोड़ा नाइट हो गया था तो फ्री टाइम नहीं मिलता है। चलिए अब इसके बारे में मैं बात करते हैं। यहाँ से ग्राफ देखो, इसको अपन अभी समझेंगे सिंपल किससे। sin x का ग्राफ जो है आपको पता है, sin x का ग्राफ y = x का ग्राफ पता है और y = tan x का ग्राफ पता है, पता है ना तीनों का ग्राफ? यस सर। यस सर। चलेगा। अब सोचो sin x का ये y = x का ग्राफ बीच में है, y = x का ग्राफ जो है वो बीच में है, sin x का ग्राफ नीचे है y = x से, tan x का ग्राफ उससे ऊपर है, ठीक है? तो अब तो जो सबसे बड़ा कौन, अगर अपने को कंपेयर करना होगा 10 में, 10x में, x में और sin x में, tan x सबसे बड़ा कौन था? tan x होगा। tan x इसको अपन ना प्रूफ भी करेंगे जब अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो अभी अपन मान लेते हैं ग्राफ देख के बोल दिए, चलेगा जी? यस। हां, एक तो तुमने ग्राफ से बोल दिया, दूसरा तुम्हें एक्सपेंशन भी आता है। 10x का एक्सपेंशन क्या होता है, दो ही टर्म बता दो कम से कम, क्या लिखते हो? x माइनस y, x क्यूब बाय 3 प्लस x क्यूब बाय 3, x क्यूब बाय 3, ठीक है ना? और sin x का एक्सपेंशन भी बता दो थोड़ा, x माइनस x क्यूब बाय 2, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना? प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, ऐसा बोलते हैं माइनस x प्लस, यस। अब सोचिए अगर x tending to 0 है, अगर आपको डिवाइड करना होगा इसको x से, 10x को x से डिवाइड कर दो, 10x upon x से, तो राइट हैंड साइड में क्या करोगे, क्या ये 1 plus x square upon 3 बोलोगे? आगे का रहने दो, ऐसा बोलोगे आप? क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा अपना यहाँ पे x, yes, sir. ऐसा है, और sin x upon x कर दो तो क्या बोलेंगे अपन, क्या ये 1 minus x square अपॉन 3 फैक्टोरियल बोलेंगे? यस सर। इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे आप बता सकते हो जो tan x अपॉन x होगा 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब 1 प्लस टाइप का बोल सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखो ये 1 प्लस x स्क्वायर बाय 3 हो रहा है, ऐड हो रहा है, 0 प्लस टाइप पे ही चीजें ऐड हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो ऐड हो रहा है ना, बोलो? यस सर। Yes, sir. तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इस वाले पार्ट को, जो भाई ये जो है ना 1 से थोड़ा ज्यादा है, ये जो है क्या ये 1 प्लस बोल सकता हूँ उसको, 1 प्लस, चलेगा जी? यस सर। यस सर। इसको क्या बोल सकते हो, देखो तो 1 माइनस ये माइनस हो रहा है ना, 0 प्लस टाइप का, यस सर, 1 से थोड़ा छोटा, छोटा बोल सकते हैं, क्या इसको अपन बोल सकते हैं 1 माइनस, ऐसा बोल दिए, इसके बेसिस पे बोल दिया, और इसके बेसिस में तो बोल सकते हो तुम, देखो तो इसको सबको x से डिवाइड कर दो, सबको अगर x से डिवाइड करोगे तो देखोगे यहाँ पे क्या आ गया, क्या ये 10x upon x बन गया greater than 1, और क्या ये sin x upon x बन गया? अगर अपन x tending to 0 के लिए बात कर रहे हैं तो क्या अपन बोल सकते हैं 10x upon x होगा 1 से जस्ट बड़ा होगा x tending to 0 पे, ऐसा बोल दो क्या? जीरो पे, लेकिन ना ये वाला, ये वाला इधर राइट ऑन, राइट ये वाला ना, इसमें क्या दिया ना, पूरे इक्वालिटी में x से अपन डिवाइड कर दिए, ठीक है ना, x 0 प्लस से डिवाइड कर दिए, डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 10x upon x, x x का है 1 बनेगा, sin x upon x ऐसा लिख सकते हैं? यस yes. लिख सकते हैं।
अब सोचो अगर x टेंडिंग टू 0 है तो क्या ये तुम्हें लग रहा है कि ये 1 से जस्ट बड़ा होगा, और क्या ये 1 से छोटा दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर। अब सबसे पहले, और इससे तो अच्छे से प्रॉपर दिख रहा है आपने को क्या हो रहा है, इस वाले से सब कुछ पता चल रहा है कि हां यार tan x / x जो है ना वो तो 1 में 0 प्लस टाइप का चीजें ऐड हो रहा है तो ये 1 प्लस होगा, और sin x / x में ना 1 में माइनस हो रहा है 0 प्लस टाइप का चीजें तो 1 से थोड़ा छोटा कर देगा तो माइनस 1 होगा। क्लियर है सबको? आना बोलो। यस चलेगा। तो यहां से हमने क्या सीखा पीछे वाले स्लाइड से, फटाफट बता दीजिए, क्या तुमने सीखा? अगर sin x / x हो और x टेंडिंग टू 0 हो, ठीक है, इसको क्या तुम समझोगे 1 प्लस टाइप का, और यहाँ पे tan x / x जो होगा क्या इसको भी तुम समझोगे 1 प्लस टाइप का? ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होके जो अगर क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे तुम्हें सोचना पड़ेगा। सर sin x / x 1 माइनस सर 1 माइनस ऐसा बोलोगे आप 1 माइनस टाइप का, और ये 1 अब सोचो तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा अगर पलट दोगे तो क्या हो जाएगा x / sin x, और ये x / tan x क्या हो जाएगा? सो 1 प्लस और 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा 1 माइनस। सोचो ना यार 1 से जो जस्ट छोटा 0.99999 उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 प्लस बड़ा होगा, 1 प्लस टाइप का हो जाएगा। अब सोचो 1. समथिंग 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 मतलब 1.00001 है, अब उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 से छोटा होगा। यस सर, बस खत्म। तो ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल? ये 1 से छोटा था तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा, और ये 1 से बड़ा था तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, सही तो, लेकिन 0 प्लस के लिए वैलिड होगा जब x टेंडिंग टू 0 प्लस हो। सोचो 0 माइनस के लिए क्या दोनों क्या नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा? हां तो सर tan x पे ज्यादा नेगेटिव होगा ना? यस सर, इक्वालिटी लेवल रहेगी, इनइक्वालिटी यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना मेरे भाई। देखो तो चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर हटा देंगे। अगर तुमने बोला लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे लिख दिया तुमने sin x / x, यहाँ पे लिख दिया तुमने लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पे लिख दिया तुमने tan x / x। सबसे अच्छा करो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो। तो अगर सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे तो क्या बोल सकते हो? x को क्या अपन रख दे यहाँ पे x equals to minus h और h tending to 0 plus, चलेगा? Yes, sir. रख लो, ऊपर में रखोगे तो क्या आ जाएगा? तो वो odd function है। Yes, sir. Odd function है h tending to 0, तो क्या ये minus sin h आ जाएगा और ये minus h आ जाएगा, minus minus गायब, क्या वही पुराना कहानी स्टार्ट हो गया? बोलो। Yes, ये क्या हो जाएगा? क्या इसको अपन 1 माइनस टाइप का बोलेंगे? इसमें देखो तो इसमें भी सेम चीज बोलोगे तो h टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये भी माइनस tan h / माइनस h, ये दोनों गायब, तो क्या ये 1 प्लस टाइप का आएगा? समझ में आई बातें? इसीलिए x टेंडिंग टू 0 कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी सेम कहानी है, पर ग्राफ से तो ग्राफ से भी देखो ना, ग्राफ से भी क्या है, अगर तुम 0 माइनस के लिए बात कर रहे हो तो 0 माइनस के लिए देखो तो क्या होगा, tan वाला ऊपर है, सॉरी tan वाला बोल रहा हूं, tan वाला नीचे है, तो sin वाला। यस सर, किस किस पे देखना चाह रहे हो तुम? सर 0 माइनस में देख ले, sin और x में। यस सर, sin और x में देख लेते हैं। तो अगर अपन बात करें 0 माइनस पे तो क्या होगा? अगर इसको ये ले आओ, ब्लैक वाला तुम्हारा y plus to x है और ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा sin x है, नहीं? Yes, yes, sir. अगर ग्राफिकली अगर अपन देखें तो ठीक है x ऊपर है लेकिन निगेटिव है। निगेटिव में सबसे ज्यादा कौन सा है? निगेटिव में ज्यादा कौन सा है? tan ज्यादा नेगेटिव।
टेन ज्यादा निगेटिव है ठीक है, और लिख ही लेते हैं ना ज्यादा अच्छा होगा, टेन एक्स को बोल दो तुम मैग्नीट्यूड वाइज जो है, और यहाँ पे एक्स है, इसको मैग्नीट्यूड वाइज तुम ज्यादा निगेटिव बनाना चाहोगे तो माइनस 0.001 लिख लेते हैं समझने के लिए बस ऐसा ठीक है। इस वाले को क्या बोलते हैं, माइनस 0.00 दिखाई नहीं दे रही, मतलब फिर तो ऐसे करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, 10 टाइप का आ जाएगा। सर आ गया सर, हाँ tan x ज्यादा नेगेटिव है तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड वाइज क्या है ना, वो मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा नेगेटिव ज्यादा है यस सर। हां और ये क्या है मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मैग्नीट्यूड 200 का देखोगे तो 10 का क्या होगा, ज्यादा होगा x यस सर, तो 1 से बड़ा आ जाएगा यस सर, बढ़ जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर अपन कोई वैल्यू लेंगे ना तो वैल्यू लेंगे तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा तो उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। और सबको दिक्कत है इसमें तो बताओ सर, क्लियर हो गया? क्लियर है, सबसे अच्छा इसको क्लियर करने का तरीका ये वाला है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको बता दो, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, सब दिख जाएगा तुम्हें यहाँ पे, सब जीरो माइनस पे ही बात कर रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन यूज करें तो आंसर तो वही आना चाहिए, आ रहा है भाई, क्लियर सबको बताओ? यस सर। ठीक है तो अब तुम क्या याद रखोगे इसमें, क्या याद रखोगे, अगर तुम्हारा x टेंडिंग टू जीरो हो, साइन x अपॉन x होगा तो 1 से छोटा, अगर x अपॉन साइन x होगा तो 1 से बड़ा 1 प्लस, और टेन x अपॉन x होगा तो 1 से बड़ा, और x अपॉन टेन x होगा तो 1 से छोटा, क्या ये सबको क्लियर है बताओ? ठीक है, अगर क्लियर है तो इस वाले का आंसर बताइए, क्या आता समझ में आया था पिछला वाला? फर्स्ट जीरो बताओ क्या ये 1 से बड़ा होगा? Yes, sir, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सोचो पहले इंटीग्रल के फिर से ग्रेटेस्ट इंटीग्रल निकाला है, तो तुमको हमने बताया था देखो लिमिट वाला जो वैल्यू आता है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू आता है, x टेंडिंग टू 0 अपॉन क्या बोलेंगे यहां पे sin x अपॉन x, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये 1 होगा एग्जैक्ट 1 बोलते हैं इसको। यस यस सर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा ये, 1 के इक्वल आएगा, 1 ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। यस सर, ये पहले लेक्चर में बोला गया था वो जो होगा वो फाइनाइट वैल्यू होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगा, लिमिटिंग वैल्यू जो होता है वो एग्जैक्ट अपन बोलते हैं, हां इतना होगा एग्जैक्ट, यानी कि ये 1 होगा अंदर वाला लिमिट, इसको भूल जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर, भूल जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर आप हटा दो, तो अंदर में लिमिटिंग वैल्यू क्या बोलोगे, 1 बोलोगे, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। अब बताओ 1 पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना? यस सर, हां चलेगा, बट 1 से वो थोड़ा सा कम होगा ना sin x वाला, तो वो अपन जो बोले थे ना तो हमने sin x upon x के बारे में बात की थी, लिमिट अगर लगा दिए ना तब बात अलग है, देखो ऐसे अगर sin x upon x बोल रहे हैं ना तो इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, जो ये अपना 1 माइनस होगा, और अगर yes, sir, समझ गया सर, इस पे अगर वो लगाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चलेगा। आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कीजिए, तो 0 अगर माइनस लगा दिए तो 1 से छोटा होगा माइनस 1, तो इसका वैल्यू क्या बोल लेंगे, ये सोचो 0.99 टाइप का सीधे सोचो 0.9999999, अगर माइनस लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.999 माइनस 0.999999, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा,
आंसर होगा क्लियर सबको चलेगा इसका आंसर बताइए तो यहाँ पे x जो होता है वो क्या होता है रेडियंट होता है डिग्री में दिया हुआ है क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हो 180 डिग्री इक्वल्स को आप पाए बोलते हो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 होते हो ऐसा तो सोचो x डिग्री इक्वल्स टू क्या बोल देंगे अपन क्या ये पाई अपॉन 180 इनटू x बोलोगे तो पाई बाय 180 सही आंसर हां सही है क्या ये सबको क्लियर है ना यस सर सही से समझा दीजिए सुना दो ठीक है 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या बोलते हो पाई बोलते हो यस सर तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या बोलोगे पाई अपॉन 180 बोलोगे यस सर ऐसा बोलोगे अब सोचो तो अगर x डिग्री पूछा जाए तो क्या बोलोगे क्या पाई अपॉन 180 इनटू x बोलोगे यस सर तो सर ये x डिग्री लिखा है ऊपर हां ये इसीलिए ये ऐसा लिखा हुआ है पर वो जीरो लग रहा था ना सर समझ गया जीरो लग रहा है नहीं नहीं वो डिग्री ठीक है ना तो बता इसको क्या लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180 इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो ध्यान से स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बोलते हो इंफिनिटी आ रहा है सर सीरीज एक्सपेंशन करके आ जाएगा सर रूट टू आ जाएगा सीरीज एक्सपेंशन करेंगे सर डिनोमिनेटर में पावर एक्स स्क्वायर हो रही है तो वो रूट टू साइन एक्स मोड साइन एक्स हो रहा है तो उसमें सर एक्सपेंशन करेंगे सीरीज का साइन एक्स का तो खाली फर्स्ट टर्म लेंगे बाकी सारे जीरो हो जाएंगे It does not exist आ रहा है सर root two ये आ रहा है ना सर ये infinity आ रहा है सर root two आएगा क्योंकि सर sin x expansion करना पड़ेगा does not exist बोलना है ठीक है ना डी एंड ई यही ऑप्शन में रहेगा यही बोलना भी है The undefined are undefined. So it does not exist. Limit x tending to zero. इस वाले को क्या बोलते हैं? ये वाला formula put कर दे यहाँ पे. देखो तो क्या हो जाएगा? 2 sin square x बोलोगे आप upon x square ऐसा. अब देखो ये क्या आ गया? Limit x tending to zero. X की power 4 होगी नीचे. हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर रूट टू मोड ऑफ साइन एक्स रूट टू मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर चलेगा जी सर साइन एक्स की सीरीज एक्सपेंशन कर दें सर वन माइ करें ऐसे ही बता देते फट से आराम से सर पर उसमें सर रूट टू आता है सर ऐसे में वरना वो दो पार्ट में ब्रेक कर लो लेफ्ट एंड लिमिट राइट एंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट अगर जीरो माइनस होगा तो साइन तुम्हारा नेगेटिव होगा यस मोड से प्लस तो क्या yes, होगा आपके बाहर क्या आएगा माइनस आएगा यस सर डज नॉट एग्जिस्ट x टेंडिंग टू 0 माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर और अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या बोलोगे √2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस क्या ये sin x अपॉन
x आ जाएगा, x स्क्वायर आएगा। यस सर। अगर सोचो यहाँ पे x होता है तब भी तो डेंजोन एग्जिस्ट होता है ना, क्योंकि लिमिट अलग, ये लिमिट अलग। यस सर। चलो ऐसा करो, अगर बच्चा है तो x स्क्वायर एक आगे बोल रहा है ना, चलो इसको x ही कर डालो, ठीक है ना। कई सारा बच्चा यही से वन बोल के निकल जाएगा। नहीं ऐसा, अब सोचो इस वाले का वैल्यू कितना आ गया, क्या यहाँ पे बोला माइनस वन, माइनस वन, माइनस रूट टू ना, मतलब इसका वैल्यू माइनस वन, तो ये माइनस रूट टू, और इस वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट टू होगा। यस। तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है? नो नो सर। क्या बोलते हैं अपन, चलेगा जी? यस सर। सबको आया समझ में? यस सर। चलिए इस वाले का आंसर बताइए तो फटाफट। टू की पावर माइनस एक्स लिखा है वहां पे। हाँ, तो जीरो सर। सैंडविच वाला है ये तो सर? सैंडविच वाला है नहीं, तो साइन इनफिनिटी होगा सर इनटू जीरो। सैंडविच नहीं है ये, बर्गर वाला है। सर जीरो आएगा, सर सैंडविच से ही होगा सर, माइनस वन से नहीं आएगा सर। और सर वो दूसरा जीरो है। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिटी क्या sin 2 टू द पावर x अपॉन 2 टू द पावर x बोल सकते हैं? यस सर। यस सर। तो जो तुम sin जो है वो इनफिनिटी पे क्या होगा, माइनस वन टू वन पे डांस करेगा। यस सर। अब सोचो उसके पावर में क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी यस। पावर बोला उसके अपॉन इन्फिनिटी टाइप का है। यस सर। जीरो। तो ये क्या होगा, जीरो होगा। यस सर। सर हम इसे सैंडविच से ही प्रूफ कर देते हैं स्विस थ्योरम से। चलेगा जी? सैंडविच अभी नहीं, सैंडविच इसके लिए यूज करेंगे तो फिर। ठीक है यार, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। चलिए बताइए तो कैसे होगा सॉल्व। ये 0/0 फॉर्म में है। यस सर। 0/0 फॉर्म में। तो जीरो। जीरो आंसर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे अभी बाहर निकालेंगे तो उतना काम नहीं बन रहा है ना, ऐसा नहीं करेंगे। पर एक दो स्टेप लिखो, इसको क्या चाहिए होगा, 1 cos 2x को 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर चाहिए, दे देना है उसको। ऊपर में अगर सिंपलीफाई करें थोड़ा सा तो क्या आ जाएगा, क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या ये x into, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या ये 2 tan इसको क्या चाहिए, 2x का स्क्वायर चाहिए, ऐसा ही चाहिए ना? जीरो नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर से ऊपर होल स्क्वायर भी है ना, चलेगा। तो इनटू क्या करोगे यहाँ पे, क्या ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे? यस सर। दो चाहिए, दे दो, याद है ना सबको क्या किसको देना था, बोलो 1 cos x / x² का ये 1/2 होता था, 1/2 यही लाने के लिए। अब सोचो तो इसमें से अगर मैं 2x 10x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0
2x 10x. कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, क्या ये 1 अपॉन ये 1 आ जाएगा यहाँ पे भी, देखो तो क्या वन बोल सकते हैं, 1 minus 1 plus 10 square x, और यहाँ पे 1 minus 10 square x, ऐसा बोलोगे क्या बताओ? और इसका वैल्यू अपन क्या बोल सकते हैं, 1/2 बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes. 1/2 बोल देते हैं, तो नीचे क्या आ गया, 4x square upon 1/2, ठीक है, इसका स्क्वायर। यहाँ तक बताओ सबको समझ में आया? Yes, yes, sir. कोई ऐसा स्टेप है जो नहीं समझ में आया? इन दोनों को देखा हमने सेम बाहर खींच लिया ऐसा, अब यहाँ पे वन और फिर एलसीएम ले लिए, तो ये कूट के यहाँ पे चला जाएगा, बताओ ऐसा होगा? Yes, sir. ऐसा होगा। क्या अब वन वन को गायब कर सकते हैं अपन, ऐसा कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. बहुत टफ है क्या ये सर? ऊपर 1 minus 10 square x कैसे है सर? वही मुझे भी नहीं पता। अच्छा वो सब ब्रेक कर लिया, ठीक है सर। सर ये सर तब भी बता दीजिए आप मुझे, नहीं है तब? हां हां बिल्कुल बता देते हैं। देखो इस 10 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 10x upon 1 minus 10 square x, ऐसा बोल सकते हैं? अच्छा आपने ब्रेक, अच्छा ठीक है सर समझ गया। अब देखो तो इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, क्या ये सेम है? Yes. बस इसे मैंने बचा दिया था इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको बाहर निकाल ले यहाँ पे, ठीक है? अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन ये माइनस यहाँ पे 1। Yes, sir. तो फिर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 और ये इधर चला जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। Yes, sir. चलेगा? और सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. अब सोचो ये कैंसिल आउट हो गया, अब बाहर में क्या आ गया ऐसा और यहाँ पे, तो अब देखो तो तुम्हें क्या मिला, 2 को बाहर कर दो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या यहाँ पे x इनटू, क्या ये 10 cube x आ गया, 10 cube x आ गया अपॉन 1 minus 10 square x इनटू, यहां से देखो तो क्या बोलोगे, इस 2 को और 2 को गायब करें मतलब 4 को 2 आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2x टू द पावर कितना बोलोगे, 4? 4, यस सर। तो देखो यहाँ पे 2x टू द पावर 4 आ गया। अब सोचो किसको किसको क्या क्या देना चाहिए, तो 4x की पावर 4 4x की पावर 4 होगा सर, स्क्वायर स्क्वायर होगा 4 आ जाएगा, चलेगा? यस। अब इसको और इसको गायब करके पहले 1/2 बाहर कर दो। अब सोचो लिमिट x tending to 0, जिसको जिसको जो चाहिए, अगर इसको और इसको गायब करेंगे तो x to the power 3 होगा। Yes sir. ठीक है। Yes sir. 10 को दे दे, 10x upon x cube हो जाएगा into 1 upon 1 minus 10 squared x हो जाएगा, ऐसा होगा? Yes sir. ये वाला तुम्हारा 1 बना और फिर इसमें अगर रखेंगे तो क्या ये इसका आंसर 1/2 आएगा? कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती इतनी, एक्सपेंशन अभी करेंगे थोड़ी देर बाद करेंगे, जब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा तब लगेगा एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। ये वाला पार्ट बताओ सबको समझ में आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो फटाफट आंसर बताइए तो क्या होगा?
सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला तो सबको आता होगा ना, सो इसमें जरूरत थोड़ी ना सर प्लस वन माइनस वन कर ले, उससे भी काम चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। cos c minus cos d क्या होता है, minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus 2 सब बी, सब बी आ रहा है, सब बी। डेरिवेटिव टू जीरो क्या यहां पे माइनस लिखोगे, 2 sin c plus d by 2 क्या ये 5 x upon 2 होगा, यस सर, into sin c minus d by 2 तो क्या हो जाएगा 3 x by 2 होगा upon क्या है x स्क्वायर है ऐसा। अब सो जो ये टेंडिंग टू जीरो, ये टेंडिंग टू जीरो है क्या, देखो तो यस यस बाहर निकाल सकते हैं उस सब को, माइनस टू बाहर निकाल दो, इधर से क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो क्या ये 5x अपॉन 2 बोल सकते हैं इसको, क्या इसको 3x अपॉन 2 बोल सकते हैं, और यहां पे x स्क्वायर गायब गायब गायब, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 2 गायब, क्या ये माइनस 15 अपॉन 2 आएगा, अगर जैसे कि 1 ऐड कर देते दोनों साइड न्यूमरेटर, हां तो फिर 16 माइनस ऊपर में बन जाएगा 1 हाफ माइनस 8, वैसा भी हो जाएगा। देखो एक फॉर्मूला याद है ना अपने को, 1 माइनस कॉस ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना, अपॉन एनीथिंग स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 1 बाय 2 होता है, चाहे 1 माइनस कॉस ऑफ एनीथिंग लिखना हो इसको रिप्लेस करके क्या हो सकता है, एनीथिंग स्क्वायर अपॉन 2 हो सकता है, यस सर। अगर ऐसा बनाना हो तो क्या इसमें अपने को क्या करना चाहिए, प्लस 1 माइनस 1 कर लेना चाहिए, प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं क्या, देखो तो अब सोचो 1 प्लस कर दे तो 1 माइनस कॉस एक्स यूज कर लेगा, कर लेगा क्या, देखो तो अगर इसमें हमने 1 प्लस कर दिया तो ये यूज कर लेगा, अगर माइनस करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या 1 माइनस कॉस 4x हो जाएगा, देखो तो यस सर यस ऐसा चलेगा जी, चलेगा नहीं आया क्या, देखो अब इसको सिंपलीफाई करके लिखो, वही आ रहा है, देखो तो बस हमने एडजस्ट करके ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहा, कर सकते हैं yes. कर सकते हैं, तो अब बताओ इसका वैल्यू किसके इक्वल बोल दोगे, हाफ 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 माइनस 1 बाय 8 माइनस 8 सर 8 सर 8 इसका वैल्यू a 1 माइनस cos ऑफ एनीथिंग 16 बाय 2 आएगा सर, 1 बाय 2 माइनस 16 बाय 2 तो 8 ही आएगा सर, हां तो क्या वापस यही आंसर आ रहा है, यस सर यस आएगा, ये आ गया आपका x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 4x स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन x स्क्वायर, वापस से यही आंसर, ठीक है जी। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं आप, बहुत अच्छी बात है, इस वाले को करना चाहेंगे फटाफट बताइए तो क्या होगा, अब तो यहाँ पे याद होगा ग्राफ भी आप लोगों को, सर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो जो साइन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता था, x प्लस 5 होगा, x प्लस 2 सर डज नॉट एग्जिस्ट, ये y चलो देख लेते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट के बारे में बात करने से पहले एक बार ग्राफ बता दीजिए हमें, क्या ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ होता है क्या ऐसा, यस सर यस सर, ये ऐसा और ये इधर जाता है, yes sir, y equals to x, y equals to minus x, अगर ये 0 है, अगर 0 को negative side से tend करोगे तो क्या y equals to minus x होता था, yes sir, और अगर तुमसे पूछा जाए y equals to sin inverse of sin x का तो graph याद ही होगा सबको, तो वो नीचे भी जाता था, yes, ये वाला line क्या था, y equals to x था, yes sir, दोनों में देखो 0 minus है, ये ध्यान नहीं दिख रहा था क्या, 0 minus दिख रहा था, 0 minus है, 0 माइनस पे देखो तो क्या हो जाएगा, दोनों ये 0 माइनस पे क्या होगा, माइनस x होगा, यस सर, वाला क्या हो गया, माइनस x हो गया, माइनस हो गया, x टेंडिंग टू 0 माइनस, ऊपर वाला हो गया माइनस x, नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखो तो y + 2x होगा,
यस सर। समझ में आया सबको? सब पाए सब ऊपर रहा जीरो वन। ये जीरो माइनस है मतलब जीरो से छूटा, जीरो का ऊपर हाँ सर जीरो लग रहा था सर इसके तो जीरो का लेफ्ट साइड देखोगे तो क्या ये माइनस जीरो दिख रहा था ना। हाँ थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा है इसका तो इधर से क्या ये माइनस एक्स बोलोगे ऊपर वाले को? सर ऐसे नहीं होगा कि x का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो cos इनवर्स हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएगा तो ऊपर जीरो कैसे बन गया? अरे सिंपल सा पहले ये बताओ इसमें कहां ये समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। हां सर ग्राफ से आ टेंडिंग टू जीरो माइनस पे तो ये y cos क्या हो जाएगा माइनस x होगा। इसका वैल्यू माइनस x के इक्वल बोल सकते हैं पहले ये बताओ उस पर। यस हां सर सर आ गया माइनस एक्स हो सकते हैं। इस वाले को क्या बोलोगे क्या ये वाई प्लस टू एक्स लाइन है? यस सर। ऊपर और नीचे वाले को क्या बोल दोगे? एक्स गायब क्या आएगा माइनस वन आएगा। अब क्या बोलना चाह रहे हो बताओ? नहीं सर ठीक आ गया चलेगा। इस वाले का आंसर ना फट से बताओ आप। कॉस इनवर्स में तो आप कोई बात नहीं किए थे साइन इनवर्स वन बाय रूट टू सर वन बाय रूट टू सर वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू। अगर इसको थीटा बोल दें तो ये तुम्हारा वन माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा सर? ये तो वन आएगा इसको क्या बोल दोगे? इसको वन बोलेंगे और ये क्या आ जाएगा? क्या ये वन प्लस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर बताओगे ऐसा बोलो? यस ऐसा होगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये साइन इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा वन माइनस एक्स होल स्क्वायर ऐसा लिखोगे? अपॉन में क्या है रूट एक्स है ऐसा बोल सकते हैं? बस सर रूट टू आना आंसर में रूट टू है ऐसा लिख रहे हैं। किसी को दिक्कत है? नो सर नो सर। अब सोचो इसको तुम क्या एक्सपेंड कर सकते हो? अरे कर सकते हैं क्या दिक्कत है इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ? वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ठीक है इसको गायब करो तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यस क्या आ गया तुम्हारा लिमिट? अच्छा हाँ एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस साइन इनवर्स रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा और यहाँ पे क्या है रूट एक्स क्या इससे जीरो बनना है यहाँ पे एनीथिंग देखो जीरो है क्या? यस सर। बाहर निकाल सकते हैं अपन निकाल सकते हैं निकाल दो इसको बाहर तो क्या हो जाएगा रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। क्या एक्स एक्स गायब कर दोगे तो क्या हो जाएगा रूट टू माइनस एक्स बनेगा और एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो क्या रूट टू आंसर आएगा बताइए? ऐसा yes. ठीक है अभी तुम्हारा टाइम तो ओवर हो गया। देखो यार थोड़ा ढंग से ही पढ़ लेते हैं। ढंग से पढ़ने का मतलब ये है थोड़ा टाइम लगता है और आपका सिलेबस देखो सही टाइम पे होगा स्कूल के हिसाब से नहीं चल सकते ना। अगर आप बोलोगे तो मुझे भगाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा भगा दूंगा उससे तुम्हारा लॉस होगा। और सोचो जितना भी टोटल स्टूडेंट है उसमें से 20% पढ़ने वाला होता है 20% ज्यादा बोल रहा हूँ ठीक है ना तो 20% का तो लॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि रिजल्ट वही रहेगा। और सब वो क्या है चलो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट करने मैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा चैप्टर था क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है ना कितना भी पढ़ लो ना तब भी लगता है तो इसमें पढ़ने की जरूरत है ऐसा है कि नहीं? अगर आप जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो लेकिन कुछ बच्चा बोला नहीं कॉम्प्लेक्स तो मैं पढ़ चुका हूँ क्यों पढ़ू मैं तो सोच लो उसका लेवल सोच लो तो ठीक है ना तो बहकना नहीं है आपका टाइम पे होगा। वेक्टर का मैंने वीडियो भेज दिया था उसको देख लो एक वेक्टर चैप्टर ही अपना फंस जाएगा वेक्टर वाले को देख लो फिजिक्स में भी तुम पढ़े होगे वेक्टर तो वो सब तो सर वही फिजिक्स का ही था उसमें पूरा सर कुछ अलग था ही नहीं ज्यादा सर। हाँ फिजिक्स ऐसा ही है लेकिन अगर जब एडवांस का क्वेश्चन करेंगे ना जब वेक्टर अपन प्रॉपर पढ़ेंगे वहां पे आपको लगेगा हाँ वेक्टर में बहुत कुछ है ठीक है। लेकिन स्कूल लेवल पे आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं होगा जो वेक्टर मतलब अच्छा चैप्टर है
तो आप क्या करो, उस वीडियो को देखो, जहां पे डॉट आए स्क्रीनशॉट लो, भेजो, चाहे तुम अपना स्कूल वाला मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, मॉड्यूल वाला बुक सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, पूछो। चीजों का ना सॉल्यूशन निकालना सीखो, फंस के नहीं रहना है, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए तुम्हारे में और ऐसा नालायक में, ठीक है ना, ऐसे बहकना नहीं है, जो सही काम हो वो करना है। चलो ओके बाय।